साहब दो आना दो आना दो आना, कुतुब रोड दो आना, कुतुब रोड दो आना साहब, दो आना सवारी दो आना, पहाड़गंज दो आना, दो आना पहाड़गंज दो आना साहब। नमस्ते, मैं सोमवीर आर्य, पुस्तक प्रभात में आपका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे एक ऐसी क्रांतिकारी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो जीवन परिवर्तित करने की काबिलियत रखती है। जिस पुस्तक को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पुस्तक का नाम है तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। ये कहानी है पाकिस्तान से 1947 में बंटवारे का दंश झेल करके भारत आए एक छोटे से सामान्य से व्यापारी परिवार के लड़के धर्मपाल की, जो बाद में भारत आकर के अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर अनेक प्रकार की असफलताओं और संघर्षों को झेलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्वदेशी मसाला कंपनी MDH का संस्थापक और मालिक बना। और ये कंपनी आज 40 से ज्यादा देशों में अपने मसालों को निर्यात करती है और इस कंपनी की क्वालिटी की वजह से इसके जो माल है उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। मासी धर्मपाल का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। आप अगर निराश और हताश है, परेशान है, तमाम प्रकार की असफलताओं का शिकार हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपका शिक्षित न होना आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है, तो आप यकीन मानिए कि यह पुस्तक आपके जीवन को बिल्कुल बदल करके रख देगी। क्योंकि महाशय धर्मपाल स्वयं 4.25वीं पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अनुभव और तजुर्बे के आधार पर वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाला कंपनी के मालिक है, जिसका हजारों करोड़ का कारोबार है। तमाम प्रकार की चुनौतियां उनके सामने थी जब वो बंटवारे का दंश झेल करके भारत आए, जिनका वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का वो काल देखने को मिलेगा कि किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना उस समय बंटवारे का दंश झेल करके पाकिस्तान से भारत आए परिवारों को करना पड़ा था। आप अपनी आंखों में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। ये पुस्तक अपने आप में बंटवारे की संजीवता का वर्णन करती हुई आगे बढ़ती है और उसके बाद उस कामयाबी की कहानी को बयां करती है, जो कामयाबी दिल्ली में शुरुआती दिनों में तांगा चलाने वाले सामान्य से व्यक्ति ने अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और ईमानदारी के बलबूते पर अर्जित की है। आप महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत ज्यादा शिक्षित हो या किसी बड़े ओहदे के ऊपर विराजमान हो। आपके भीतर अगर स्वयं के हुनर को पहचान करके उसे मेहनत के सांचे में ढालने की काबिलियत है, तो आप यकीन मानिए आप भी किसी अन्य क्षेत्र के महाशय धर्मपाल बनकर के इतिहास रच सकते हैं और ये देश आपकी कामयाबी से लाभ उठा सकता है। मैं तकरीबन 10 साल से व्यक्तिगत तौर पर महाशय धर्मपाल जी को जानता हूं और मैं अगर ये कहूं कि मेरे जीवन में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी किताब को भी मैंने पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल रूप साक्षात उनके सानिध्य में रहकर के भी देखा, तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। और मुझसे कहा जाए कि महाशय धर्मपाल कौन है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उनके पास कर्ण जैसा उदार हृदय है, भामाशाह जैसा राष्ट्र प्रेम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसी गरीबों के पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाने वाला हृदय है। उनके पास कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते, उसको देकर के भेजते हैं, अपने अनुभव का ज्ञान देकर के भेजते हैं, अनुभव का दान देते हैं, समय का दान देते हैं, सहयोग का दान देते हैं। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। कई बार लोग सफलता को अर्जित कर लेते हैं, कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कामयाबी को पचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहावत है कि दुनिया में रहना है तो इस तरीके से रहो, इतने छोटे बनकर के रहो कि हर कोई आपके साथ में बैठ सके, और आप खड़े हो जाओ तो इतना बड़ा कद आपका होना चाहिए कि आपके खड़े होने के बाद कोई बैठा न रहे। और मैं निश्चित रूप से अगर कहूं कि इतनी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक होने के बावजूद भी महाशय धर्मपाल एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिनसे एक सामान्य से सामान्य रिक्शे वाला भी बगैर किसी की अप्रोच के सीधा जाकर के उनके ऑफिस में मिल सकता है, और उससे भी वो उसी नेह के साथ में, उसी स्नेह के साथ में, उसी करुणा के साथ में मिलते हैं जिससे कि किसी बड़े और परिचित व्यक्ति से मिलते हैं। मैं अगर कहूं कि भीष्म पितामह बनकर के उन्होंने पिछले 8-10 साल से मेरे जीवन को
वटवृक्ष बनकर के सींचा है तो ये गलत नहीं होगा। मुझ जैसे अकिंचन को भी उनके स्नेह का, उनके सहयोग का, उनके अनुभव का लाभ मिला है। ये पुस्तक आपको बताएगी कि बड़े किस तरीके से बनना है, ईमानदारी का उसमें क्या रोल है, और तमाम प्रकार की असफलताएं भी किस तरीके से सफलता में परिवर्तित हो सकती हैं अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। महाशय धर्मपाल जी को पद्म भूषण दिया गया, इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया, और इस देश में सम्मानों की लंबी परंपरा रही है, सम्मान दिए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार उनके जीवन को नजदीक से देखने के बाद ये महसूस हुआ कि पद्म भूषण का गौरव भी बड़ा होगा जब उसको महाशय धर्मपाल जी को दिया गया होगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए वो अपने जीवन में अभी तक दान कर चुके हैं शिक्षण संस्थाओं को, हजारों संस्थाएं चल रही हैं जो उनके दान से पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं। 97 वर्ष के हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो निरंतर कंपनी आते हैं, सातों दिन आते हैं, संडे को कर्मचारियों की छुट्टी होती है, लेकिन महाशय धर्मपाल फिर भी फैक्ट्री आते हैं, अपनी आंखों के सामने काम को होता हुआ देखते हैं। और एक चीज उनके जीवन में महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मुझे अपने जीवन में कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करना है और कम से कम दाम पर बेहतर क्वालिटी का माल सामने वाले खरीदार को किस तरीके से उपलब्ध करवाया जा सकता है, यही व्यापारी का उनके नजरों में सबसे बड़ा गुण होता है। और वो ये गुण उन्होंने अपने पिताजी महाशय चुनीलाल जी से सीखा था और वो यही कहते हैं कि ये गुण अगर कोई व्यापारी पकड़ सकता है तो वो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी की बहुत बड़ी कहानी लिखने की काबिलियत अपने भीतर पैदा कर लेगा। आप तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह अगर पढ़ेंगे तो आपको महाशय जी के जीवन के कई ऐसे अनछुए पहलू जानने के बहुत करीब से महसूस करने का मौका मिलेगा जिनका वर्णन आपको अन्य कहीं और नहीं मिलेगा। और आप निश्चित रूप से उनकी इस पुस्तक से बहुत बड़ी प्रेरणा पा सकते हैं क्योंकि वो समाज से भी बहुत बड़े हैं। और किसी कवि ने कहा था कि मैं बहुत से बड़े लोगों की सच्चाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर के बड़ा होना। और मैं इस पंक्ति को इस तरीके से कहा करता हूँ कि मैं बहुत से बड़े लोगों की सच्चाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर के महाशय धर्मपाल होना, क्योंकि उन्होंने अपना सारे का सारा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है। भास का एकांकी नाटक है कर्णभारम, और उस नाटक में जिस समय इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से दान मांगने के लिए आते हैं तो शल्य कर्ण को सचेत करते हुए कहते हैं कि कर्ण तुम्हारे सामने जो व्यक्ति दान मांगने के लिए खड़ा है ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये इंद्र है जो अपने बेटे अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे। कर्ण तुम भूल करके भी अपने कवच और कुंडल इंद्र को मत दे देना क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं इस युद्ध में, और जब तक कवच और कुंडल तुम्हारे पास में है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कर्ण। तो उसके बाद कर्ण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कर्ण ने शल्य से कहा कि शल्य तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ज्ञात नहीं है जो व्यक्ति मुझसे आने वाला, मुझसे मिलने मेरे सामने खड़ा हुआ है, दान की याचना करने वाला है, वो स्वयं साक्षात इंद्र है, ये बात मैं जानता हूँ। तो उसके बाद शल्य कहते हैं क्या फिर भी अपने कवच और कुंडल सौंप दोगे इंद्र को? तो उसके बाद कर्ण कहते हैं कि मैं एक सामान्य से रथी परिवार में पैदा हुआ, सूत पुत्र के घर में मेरा लालन पालन और पोषण हुआ, एक सामान्य परिस्थितियों में संघर्ष करके मैंने अपने जीवन में जो कुछ थोड़ी बहुत योग्यता अर्जित की है वो की है, और मेरे जैसा सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने वाला व्यक्ति ऐरावत हाथी को चलाने वाले देवराज इंद्र को दान देकर के संतुष्ट करेगा, इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य की बात सल्ले और क्या हो सकती है। और उसके बाद एक श्लोक वहां पर भास ने उद्धृत किया है और वो श्लोक ये है कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, एक समय ऐसा आता है शल्य की मनुष्य का सारा अर्जित किया हुआ ज्ञान नाश को प्राप्त हो जाता है, सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, वृक्ष चाहे कितनी भी गहरी जड़ें जमीन में क्यों न बना ले लेकिन आंधी का एक पुरजोर झोंका अगर अपनी पर आ जाए तो उससे जड़ से उखाड़ने का सामर्थ्य रखता है, जलम जल स्थान गतम च सुष्यति, तालाब का जल चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो लेकिन शल्य वो भी एक दिन सूख जाता है। और उसके बाद जो कर्ण कहते हैं उस अंतिम पंक्ति को महाशय धर्मपाल ने साक्षात अपने जीवन में अवतरित किया है और वो है हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, यज्ञ में दी गई श्रद्धा पूर्वक आहुति और सतपात्र को दिया गया दान जन्म जन्मांतरों तक हमेशा व्यक्ति के हृदय के ऊपर सूक्ष्म कर्म बनकर के अंकित हो जाता है, उसके साथ यात्रा करता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो महाशय धर्मपाल के जीवन के जो महत्वपूर्ण
लक्ष्य है उनमें दो है, प्रतिदिन वो यज्ञ करते हैं और दान वो इतना ज्यादा करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो आप सीखेंगे कि किस तरीके से सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, आज भी अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ है, आज भी अपने पिता की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और ये पुस्तक निश्चित रूप से आपको प्रेरणा देगी। और जो मुझे सबसे बड़ी ताकत महर्षि धर्मपाल जी में लगती है वो ये कि 97 वर्ष की उम्र में भी वो एक वाक्य कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, यानी कि ये निराशावादी सोच के प्रति आशावाद का सबसे बड़ा उद्घोषक वाक्य मैं इसको मानता हूं। वो कहते हैं कि आप में अगर समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने का भाव है तो आप निश्चित रूप से लंबे समय तक जीकर के राष्ट्र के काम आ सकते हैं। और वो एक बात कहते हैं कि आज जब मैं चारों तरफ निराशा का वातावरण देखता हूँ, बुजुर्गों को अपनों के द्वारा उपेक्षित देखता हूँ, तो महर्षि धर्मपाल के वाक्य मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि किसी से अपेक्षा क्यों रखना कि वो आपका सम्मान करेगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, अपने आप को सक्षम क्यों ना बना लिया जाए, समाज सेवा में अपने आप को क्यों ना लगा दिया जाए, राष्ट्र सेवा में अपने आप को क्यों ना लगा दिया जाए। और वो ये कहते हैं कि स्वयं को इतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनाइए कि आप अपनी मौत की वसीयत भी खुद करके जा सके। और जब इस तरीके का सामर्थ्य आप अपने भीतर जुटा लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप 97 साल के महर्षि धर्मपाल बनकर के भी मुस्कुराने का सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर लेंगे, क्योंकि उनके बच्चों जैसी निश्चल मुस्कान अच्छे अच्छों का मन हरने की काबिलियत रखती है। ये किसी बड़े उद्योगपति की स्तुति नहीं है, ये एक सच्चे राष्ट्रपुरुष के प्रति जो आदिवासियों की शिक्षा के बारे में सोचता है, जो प्रत्येक हिंदुस्तान के शोषित व्यक्ति के बारे में सोचता है, जो याचना लेकर के उसके पास जाता है, उसके प्रति ये समर्पण के कुछ पुष्प है जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। आप गूगल पर MDH टाइप कीजिए, MDH बुक्स टाइप कीजिए, MDH की वेबसाइट से आप तांगे वाला कैसे बना मसालों का सहनसा ये पुस्तक आधे मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। महर्षि धर्मपाल को अगर आप पत्र भी लिखेंगे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो यकीनन वो आपके उस पत्र का भी जवाब देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुस्तक आपके जीवन को बदल करके रख देगी, क्योंकि इस पुस्तक की लेखक के कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। महर्षि धर्मपाल ने जो महसूस किया, जो देखा, जो उनके व्यापारिक तजुर्बे हैं, 4.5वीं पास होने के बावजूद भी वो मसालों के क्षेत्र में बहुत बड़े सफल उद्योगपति हैं। पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि आप रेगिस्तान में भी धान उगाने की काबिलियत आपके भीतर पैदा हो गई है, आप में इतना ज्यादा उत्साह आ गया है, क्योंकि ये पुस्तक इतनी ज्यादा प्रेरणादायी है जो आपको भीतर से उत्साह से भर देगी और सारे की सारी निराशा आपसे कई कदम दूर भाग जाएगी। महर्षि धर्मपाल जी को मैं प्रणाम करते हुए आपसे यकीनन ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप उनकी इस आत्मकथा को पढ़िए, आप बंटवारे के दंश को भी महसूस करेंगे। एक व्यक्ति किस तरीके से असफलताओं की सीढ़ियों से होते हुए सफलता की पराकाष्ठा तक पढ़ता है, उस अनुभव को भी पढ़ेंगे और आपका जीवन बदलने की काबिलियत ये पुस्तक रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।